होगा, गर्मियों में टंकी में पानी गर्म होता है, बकेट में पानी नॉर्मल रहता है और मटके में पानी ठंडा होता है। ऐसा इवेपोरेशन की वजह से होता है। जब पानी के सरफेस के ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल पानी से एस्केप हो जाते हैं, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। पानी के ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल पानी से हीट लेके एस्केप होते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। टंकी ऊपर से बंद रहती है, इसलिए उसमें बहुत कम इवेपोरेशन होता है और उसका पानी गर्म होता है। बकेट ऊपर से खुली रहती है, इसलिए उसमें ज़्यादा इवेपोरेशन होता है और उसका पानी टंकी से ज़्यादा ठंडा होता है। मटका मिट्टी का बना होता है और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स से पानी बाहर आता है और पूरे सरफेस से पानी इवेपोरेट होता है, इसलिए मटके का पानी बहुत ठंडा होता है। इवेपोरेशन की वजह से मटके का पानी बहुत ठंडा होता है। आप भी गर्मियों में मटके का पानी पिए, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। बाय बाय।